तो मोइन जहां बता रहे थे वहां तो पहुंचना है असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन इससे पहले खबर यह है कि AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं और उनका काफिला पहुंचा है, लेकिन रास्ते में राष्ट्रीय हिंदू दल के संगठन के कार्यकर्ताओं ने झूसी इलाके के शास्त्री ब्रिज पर उनका काफिला रोका है, काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर तो असदुद्दीन ओवैसी के प्रयागराज कार्यक्रम की यह खबर, जहां पर उनके काफिले को रोका गया, काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। बाकी की जानकारी सहयोगी मोहम्मद मोइन से लेते हैं। मोइन बताइए क्या कुछ हुआ रास्ते में और अभी कहां है इनका काफिला? मोइन आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए शास्त्री ब्रिज पर काफिले को रोका गया है और हिंदू संगठन की ओर से काले झंडे दिखाए गए हैं। तो देखिए आज एक दिन का दौरा है असदुद्दीन ओवैसी का, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है इसकी जानकारी हम आप तक दे रहे थे, पहुंचा रहे थे, लेकिन खबर ये मिल रही है कि रास्ते में इनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई है झूसी इलाके में और काले झंडे दिखाए गए हैं हिंदू संगठन की ओर से। तो अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है, उससे पहले ही रुकावटों की खबर मिल रही है जहां काले झंडे दिखाए गए हैं ओवैसी के काफिले को। और उधर सपा नेता अनुराग भदौरिया कल अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मिशन 2022 के लिए सपा की भाजपा से सीधी लड़ाई की बात कही। उन्होंने कहा कि 4.5 साल यूपी की जनता ने कई दर्द झेले हैं, लिहाजा इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भाजपा का इस बार उत्तर प्रदेश से जाना तय है, 2022 में बाइसिकल की सरकार होगी और भाजपा हमारे विपक्ष में होगी। देखिए समाजवादी पार्टी जहां होती है, समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश से जाना तय है, तो 2022 में बाइसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी हमारे विपक्ष में होगी। मेरा सवाल था किस किस पार्टियों को आप, मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी उसका जाना तय है और बाकी सब अपने, नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी, देख सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है। 2017 से उनकी सरकार है, तो 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने जो दर्द झेला है, 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से परेशान रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। चलिए अब वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बताएं कि प्रदेश में 10 करोड़ टीके लगाए गए हैं, सीएम योगी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इसके साथ ही सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई भी दी है, तो एक कीर्तिमान स्थापित करने पर सीएम योगी ने ट्वीट करके तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को जो इस मिशन से जुड़े हैं, इस मुकाम तक पहुंचने में जिनका योगदान है, उनको बधाई दी है। 10 करोड़ टीके लगाए गए हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व UP गवर्नमेंट के अथक प्रयासों का सुफल है कि प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके यानी सुरक्षा कवच को प्रदान किया जा चुका है। ये उपलब्धि प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मी व अनुशासित नागरिकों को समर्पित है, आप भी लगवाएं टीका जीत का। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जब 10 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में,